हेलो फ्रेंड, ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। मेरे चैनल का नाम है लर्न सिविल थिंक सिविलाइज्ड। यहाँ हम अपने फर्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करने जा रहे हैं सैंड और सीमेंट की मात्रा प्लास्टरिंग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो तरह के प्लास्टरिंग होते हैं, इनर प्लास्टरिंग और आउटर प्लास्टरिंग। इनर प्लास्टरिंग में जो हम थिकनेस अज्यूम करके चलते हैं वो हम 12 mm लेते हैं। यहाँ मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 0.012 मीटर। उसी तरह से एक्सटर्नल प्लास्टिंग थिकनेस होती है हमारे पास 19 to 20 mm, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। यहाँ हम आज जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं सीमेंट और सैंड की मात्रा, उसका एरिया हम अज्यूम कर रहे हैं 1/1 और थिकनेस है हमारी प्लास्टिंग की 0.012 मीटर, यानी 12 mm। अब हमने इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हम जो मोटा रेशियो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1:6। 1:6 इसका मतलब है 1 part ऑफ सीमेंट एंड 6 part ऑफ सैंड। अभी हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इन प्लास्टरिंग। जैसा कि हम जानते हैं, हम जो अज्यूम कर रहे हैं वो 1/1 × 0.012 मीटर कर रहे हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है 1 meter × 1 meter × 0.012 meter। ये हमारा हो जाता है 0.012 cubic meter मीटर क्यूब। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हम प्लास्टरिंग को हमेशा स्क्वायर में यूज़ करते हैं, यानी मीटर स्क्वायर। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम इसको मीटर क्यूब में कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ mm को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। हम अभी हमारे पास जो वॉल्यूम आया है मोटर का वो वेट क्वान्टिटी में है। अब हम इसको ड्राई क्वांटिटी में बदलना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें वेट प्लास्टरिंग वेट वॉल्यूम को इस ड्राई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। 1.33 ड्राई फैक्टर होता है मोटार का और 1.54 होता है कंक्रीट का, CONCRETE कंक्रीट, यह है ड्राई फैक्टर। इसको ध्यान रखना फ्रेंड, 1.54 कंक्रीट का होता है और 1.33 हमारे पास मोटर का होता है। अभी हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर आ चुका है 0.01596। ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए आपको अभी समझा रहा हूँ। अभी हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे सीमेंट की मात्रा। सीमेंट को कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन सम ऑफ द रेशियो इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। जैसा कि हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ड्राई वॉल्यूम हमारा है 0.01596 इंटू, ये 1 part ऑफ सीमेंट था हमारे रेशियो में, जैसा कि हमने यहाँ शो किया है 1 part ऑफ सीमेंट, और 7 part, 7 यानी सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो 1 + 6 = 7, यह है हमारा सम। यहाँ हो गया 1/7 × 1440 जो हमारे पास है वो है हमारे पास डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ये वेरी करता है 1440 × 1500। मैं यहाँ अनज्यूम करके चल रहा हूँ 1440। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आएगा क्वांटिटी वो आएगा 3.28 kg। अब हमारे पास 3.28 kg आ चुका है। अब हम जो सीमेंट लेने जाते हैं वो बैग्स में होता है, और एक बैग में जो आता है हमारे पास 50 kg आता है। अभी हम यहाँ नंबर ऑफ बैग निकालेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ बैग यूज होगा इतनी 1/1 एरिया प्लास्टरिंग में। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो हमारे पास केजी में सीमेंट की क्वांटिटी आई है उसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे, चूँकि 1 bag ऑफ कंटेन 50 kg सीमेंट। यहाँ हमारे पास आ जाता है 0.65 bags। ये हमारा आ गया है सीमेंट यूज इन प्लास्टिंग। अब हम यहाँ सैंड भी सेम इसी तरह से है। सैंड के लिए ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर इंटू 6/7, 6 जो है रेशियो ऑफ सैंड है, एंड 7 जो हमारे पास है सम ऑफ द रेशियो है, इंटू 35.31। ये क्या है, ये जो है
क्यूबिक फीट, क्योंकि सैंड हमेशा क्यूबिक फीट में कैलकुलेट होता है, इसलिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 35.3 क्यूबिक फीट। इसीलिए हम यहाँ इसको क्यूबिक फीट में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया इसको। सो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये आ जाता है 0.483 क्यूबिक फीट। ये हो गया। अब इसका एक अल्टरनेटिव वे और है सैंड कैलकुलेट करने का। वो अल्टरनेटिव वे क्या है वो अभी हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। 0.065 × 6 × 1.226। अभी आप सोच रहे होंगे 0.65, ये 0.65 जो है वो है हमारे पास नंबर ऑफ सीमेंट बैग यूज्ड इन आवर प्लास्टरिंग, एंड 6 रेशियो ऑफ द सैंड × 1.226। 1.226 जो है वो है हमारे पास एक सीमेंट बैग जो है, यानी कि एक सीमेंट बैग में 50 kg सैंड सीमेंट आता है। सो उस 50 kg को हम कन्वर्ट करते हैं क्यूबिक फीट में। सो एक बैग कंटेन करता है 1.226 क्यूबिक फीट। सो उसी तरह से जब हम इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 0.483 क्यूबिक फीट। सो ये देखिए आप, दोनों ही सेम हैं, चाहे आप इस तरीके से करें चाहे आप इस तरीके से करें, दोनों से रिजल्ट आपका सेम आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। यही आपको सैंड और सीमेंट की मात्रा आपको पता चल जाती है। एक बार मैं आपको फिर से पूरा वीडियोस दिखा देता हूँ, जिस तरह से हमने यहाँ कैलकुलेट किया 12 mm को लेके रेशियो लिया 1:6, फिर हमने वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर निकाला, फिर हमने ड्राई वॉल्यूम निकाला, फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया सीमेंट का, जिसमें हमने ड्राई फैक्टर भी यूज़ किया, सब किया, फिर हमने कैलकुलेशन ऑफ सैंड किया और एक अल्टरनेटिव किया। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये फर्स्ट वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है लर्न सिविल बीइंग सिविलाइज्ड। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।